जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, हाँ सारे जीवन वो तो फिर मौज बोलिएगा, सारे जीवन वो तो फिर आगे वाले प्रेमी तो बोल रहे हैं लेकिन पीछे वाले पता नहीं कहाँ पे खोए हुए हैं। बोलने को दी जुबा तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबा तू बोलता नहीं, लेने को प्रभु का नाम मुख को खोलता नहीं, लेकिन आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा प्यारे, जब तू बोलना तो चाहेगा पर बोल, पता है सभी को बोलिएगा, जिस पर भी ओ पापा तेरा रंग चढ़ जाता है, जिस पर भी हाँ सारे जीवन वो तो फिर मौज। अभी आप कहीं पे भी जाइएगा चलते फिरते, किसी से भी पूछिएगा कि भाई और हालचाल ठीक है, हम लोगों का कोई रिलेटिव्स मिल जाता है पूछने लगते हैं कि भाई और मजे में हो, कोई परेशानी तो नहीं, चाहे कितना भी पैसा हो उसके पास में लेकिन फिर भी यही कहेगा बस कट रही है कट रही है। लेकिन कोई हमसे आके पूछे, बाबा की कृपा में हम सभी हमेशा मौज में रहते हैं। अगर वाकई मौज में रहते हैं तो बोलिएगा दोनों हाथ उठा के, ऐसे नीचे हाथ करके नहीं, दोनों हाथ उठा के मिलके सभी, जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, जिस पर भी ओ बाबा हाँ सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, ओ Yeah.
भनक भी नहीं लगने देते हैं,
लेकिन एक श्याम प्रेमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, दो लोगों की गाड़ी में जगह है, चलो पड़ोसी तुम भी चलो भाई, क्योंकि हमें हमारा परिवार दिन पे दिन बढ़ाना है, दिन पे दिन बढ़ाना है, यही तो श्याम परिवार की खासियत है। मेरे लिए नहीं, एक बार अपने लिए ताली बजा लो ना। धीरे धीरे बने जाता इंतजार करती है। ये तारे जमीन पर किनके हैं, संभाल के रखना इनको। जिनके छोटे छोटे बच्चे कीर्तन में आते हैं ना, सुनना, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होता सर। लोगों का बुढ़ापा वृद्धाश्रम में इसलिए कटता है क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में अपने छोटे बच्चों को श्याम नाम नहीं सुनाया था, या तो पिक्चर दिखाई थी, या थिएटर दिखाया था, या मॉल दिखाया था। मगर जिनके बच्चे छोटे छोटे कीर्तनों में आते हैं, उनका बुढ़ापा उनके पोते पोतियों के साथ कटता है साहब, उनका वृद्धाश्रम में नहीं कटता, अनाथाश्रम में नहीं कटता। ये आप पर कृपा है, सांवरे की बच्चे आए हैं दरबार में। आइए, जो बुलाएगा बाबा को एक बार बता दो जरा, दोनों हाथ खुलकर प्रेम से, पलकों पर भर तैयार सांवरे। मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे। किस किस की आंखें, कौन कौन इंतजार करता है बाबा का, जरा तालियां सुनो। कैसे की है बात, ये असंध की, ये पेवा की, ये कुरुक्षेत्र की, ये चंडीगढ़ की, जरा दोनों हाथ खोल के ये बात, ये बात। Yeah,
रास्ते में बैठा रहूंगा। अभी तो जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, भोजन चाहिए भोजन मिलता है, भागा चाहिए भागा मिलता है, तू तो चला जाएगा। प्रेमी बोला बाबा खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। बाबा के दरबार में
बाबा के दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है, और ये नहीं देखता कि कौन गोरा और कौन। दिल्ली के एक साड़ी के व्यापारी ने कीर्तन करवाया, उसका नौकर स्टेज पे चढ़ गया, मालिक ने धक्का दे दिया, ओए नीचे उतर, ये स्टेज बड़े लोगों के लिए बनवाया। नौकर ने नौकरी तो उसी रात छोड़ दी, बोला जो मालिक इज्जत करना नहीं जानता उसकी तनख्वाह भी नहीं चाहिए। नौकरी उसी रात छोड़ दी और इस सेठ की नौकरी करने लग गया। बोला ठाकुर मुझे कभी इस काबिल बनाना कि मैं भी कभी तेरा ऐसा कीर्तन करवा सकूं। 3 साल बाद उसी नौकर ने कीर्तन कराया और सेठ जाकर स्टेज पर खड़ा हो गया। नौकर ने धक्का नहीं दिया, बोला सेठ जी शुक्रिया, अगर 3 साल पहले आप मुझे धक्का ना देते तो आज मैं यहां ना होता। कुछ नहीं पता, कई बार बड़े बड़े चौधरियों का काम नहीं होता और छोटा सा बाबा का सेवक काम करवा के चला जाता है। मानते हो बात सर, दोनों हाथ खोलो और ताली बजा के प्रेम से ये बात। हाँ, जो भी दर पर आता बाबा सब उसके चल पड़ता। जब आदमी पहली बार खाटू जाता है ना तो ऐसा होता है, इधर आओ, ऐसा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। जरा दोनों हाथ उठाना जिसको कृपा चाहिए, दोनों हाथ खोल के। हाँ, इससे आगे वाला भी बताऊंगा थोड़ी देर में, थाम बैठ जाओ, थामने बुला लूंगा मैं बाद में। उठाओ जरा दोनों हाथ, बैठ जाओ बेटा। पलकों का घर तैयार सामने, शाम बाबा 56 भोग बाद में खाता है, पहले लड्डू ढूंढ ढूंढ कर खाता है। साहब ऐसा है मेरा सांवरा, जो भोग लगाएगा जरा दोनों हाथ खोल के बिल्कुल सीधे ये बात। लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे। के दुखों से कभी उदास नहीं होते, असंध में रहने वाले कभी उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों में भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती हैं जनाब, जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो हाथ ही है, जरा बजा दो थाली मिलके। और आप
भाव को देखकर एक बार आज मत उठाना, अभी बैठो। पूरे फागुन मेले में पूरा भारत आया हुआ था और नेपाल वालों की धर्मशाला में कीर्तन था। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, मैं भजन गा रहा था, मगर ये कैथल वाले उठा के ले गए। सिर्फ हरियाणा था जो बाजी मर गया था। सब बातें ऐसी हरियाणा की हरी। मेरी माता, मैंने सुबह सुबह घर की पहली झाड़ू हम निकालते हैं, काम वाली निकाल रही है, कौन निकालते हैं खुद बताओ जरा। तो अभी कह रहे हो एक दिन छुट्टी मार जाए, चार दिन नींद नहीं आती, और एक घर से कंफर्मेशन आ जाए, मानते नहीं, चार घर में कंफर्मेशन होती है, सच में नहीं आई। क्यों निकालते हैं सुबह सुबह घर की पहली झाड़ू? उठो नारी, निकालो बुहारी, उठो नारी, निकालो बुहारी, क्यों बाहर खड़े कृष्ण मुरारी। हर दरवाजे के आगे मोर मुकुट बंसी वाला आता है, और जिसके यहाँ ठेकेदारी चल रही होती है वापस चला जाता है। हमारे पितर और हमारे ठाकुर जी, हमारे इष्ट रोज सुबह दरवाजे के आगे आते हैं। देखने वाली निगाहें चाहिए साहब, इसीलिए बड़े बुजुर्ग 4 बजे ही उठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ठाकुर आने वाला है। जरा दोनों हाथ उठा के, चल पड़ा है, चल पड़ा है, चल पड़ा है वो नीले घोड़े वाला बाबा, चल पड़ा है। किस किस का भरोसा है बाबा खाटू से चल पड़ा है? जरा ताली बजा के, चल पड़ा है, चल पड़ा, चल पड़ा है वो नीले घोड़े वाला बाबा, चल पड़ा है। गुजरी, उस पर लिखा था प्लीज डोनेट योर आईज,
आफ्टर योर डेथ, ये किसी के काम आ सकती है। आपकी आंखें आपके मरने के बाद किसी के काम आ सकती है, तो इसका दान करें। मैं बाबा को बोला, वारे सांवरे, जिन आंखों ने तुझे देख लिया वो मरने के बाद भी जिंदा रहती है, क्या करिश्मा है तेरा। ये आंखों का कमाल है साहब, आंखें अच्छे भी देखती हैं, आंखें बुरा भी देखती है। आज किसी से ठगी करी हुई है, ये आंखें ही हैं जो मिल नहीं पाती, आंखें झुका कर निकल जाते हैं। और ठगी नहीं की हुई तो ये आंखें ही हैं जो घूर घूर कर देखती है मुझे गलतियां से कहती है। ये आंखें ही हैं जो सांवरे को देखती है, ये आंखें ही हैं जो खाटू का दरवाजा देखती है, ये आंखें ही हैं जो असंध में आकर ये स्वर्ग सा आलम देखती है, और कुछ नहीं है साहब, ये आंखें ही हैं। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, अरे डॉक्टर साहब आंखों के डॉक्टर हैं, कैथल से आए हैं भजन सुनने। अगर साइंस भी एक बार जरा इनके लिए तालियां बजा दो, ये सांवरे की तो कृपा है साहब, जहां साइंस खत्म होती है वहां कन्हैया शुरू होता है साहब, ये कृपा है। हम पहले बाद में दुआ करते हैं, जब डॉक्टर मना कर देता है आई एम सॉरी अब तो वही कुछ कर सकता है, हम तब दुआ करते हैं। जनाब पहले ही दुआ कर दो, डॉक्टर तक की जरूरत ही ना पड़े साहब। जरा दोनों हाथ खोलो एक बार प्रेम से ताली बजा कर। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारूं, वृंदावन सूरदास जी महाराज, जिनको दिखता नहीं इसलिए नाम सूरदास, मगर जब बांके बिहारी को सजाया जाता तो पहले सूरदास जी को बुलाया जाता। सूरदास जी देखकर बताओ ठाकुर कैसा लग रहा है, जिनकी निगाहें नहीं उसको बुलाया जाता वेरिफिकेशन के लिए, देखकर बताओ। लोग अचंबा करते थे, मजाक उड़ाते हैं सूरदास का, मगर जब सूरदास जी ठाकुर के आगे खड़े होते और आंखों के आगे हाथ रखते तो वो भी बता देते, आज जो पीला पटका पहनाया थोड़ा टेढ़ा है उसको सीधा कर दो, ये कृपा है साहब। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारूं, जो बाबा की नजर उतारते हैं उनको कभी नजर नहीं लगती, कौन कौन उतारेगा बाबा की नजर, नजर हाथ खोल कर। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, जिंद वालों जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का इधर आओ, इधर आओ, नजर आ रहा है पूरा। मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, कौन कौन बुलाएगा, हो गया भजन, दोनों हाथ खोलकर, पलकों का घर तैयार सांवरे, चुन चुन खाइयो माँ।